फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर कौन सा चल रहा था? लेवरेज। बस आज की क्लास में उसे हमें कंप्लीट करना है। तो पेज नंबर वन पर आइएगा, पेज नंबर वन, और मैं जानना चाहूंगा कि रिमेनिंग क्वेश्चंस कौन से। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गए, रिमेनिंग क्वेश्चंस 4, 6, 6 के बाद 11, 12, 13, 16। ओके ठीक है, यही क्वेश्चंस मुझे कराने ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आज की क्लास में हो जाने चाहिए। लेवरेज का चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, चलिए आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन हम पिक करेंगे, जो सबसे पहला क्वेश्चन हम पिक करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 2। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 1 लाख, सॉरी, इक्विटी कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 10 लाख ऑफ 10% डिवेंचर्स। द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 6 पर यूनिट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस रुपीज 2 लाख, इनकम टैक्स रेट 50%, द सेल्स लेवल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1,20,000 यूनिट्स। ए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर 1, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, नंबर 2, DFL at 1 lakh and 1,20,000 units, DOL at 1 lakh and 1,20,000 units. B, comment on the behavior of operating and financial leverage in relation to increase in production from 1 lakh units to 1,20,000 units. A point kya hai waise? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, उसके बाद है 1 लाख यूनिट्स एंड 1,20,000 यूनिट्स। वन लैख यूनिट्स एंड 1,20,000 यूनिट्स। वैसे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना गिवन है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना गिवन है? रुपीज 10। तो आप लिखेगा सेल्स और ब्रैकेट में लिखेगा रुपीज 10 पर यूनिट। अगर ऐसा है तो 1 लाख यूनिट की सेल कितनी हो गई? 10 लैक्स। 1,20,000 यूनिट की सेल कितनी हो गई? 12 लैक्स। 10 लाख रुपए और 12 लाख रुपए। सेल्स में से आप माइनस करना चाहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना लिखा है? ओके, रुपीज 6 पर यूनिट। तो 1 लाख यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 6 लैक्स। 1,20,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 7,20,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पता चलेगा।
4,80,000। ये आपने कंट्रीब्यूशन बता दिया। कंट्रीब्यूशन में से हमें क्या माइनस करना चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट कितना लिखा है? 2 लैक्स। फिक्स कॉस्ट माइनस करते ही हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मेरा मतलब है ईबीआईटी पता चल जाएगा। तो ईबीआईटी हो गया 2 लाख रुपए और हो गया 2,80,000। आइए इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। जरूर आपकी कंपनी में कोई डेट कैपिटल होगा 10 लाख रुपए का और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ओके, 10% ऑफ 10 लैक्स, तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए। वेल, इंटरेस्ट माइनस करते ही आपको क्या पता चल जाएगा? ईबीटी। तो ईबीटी हो गया 1 लाख रुपए और हो गया 1,80,000 रुपए। वैसे टैक्स का रेट कितना दे रखा है? 50%। 50% कितना हो गया? 50,000 एंड 90,000। इसे माइनस करते ही आपको क्या पता चलेगा? ईएटी। 50,000 एंड 90,000। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में मैं लिखना चाहूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप कहते हैं कि इक्विटी कैपिटल 10 लाख रुपए का है, आप कहते हैं कि एक शेयर 100 रुपए का, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 10,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने बताया 10,000। अगर मैं ईएटी को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो फिर तो मैं ईपीएस भी बता सकता हूं। प्रेजेंटली ईपीएस है ₹5 और ईपीएस कितना हो जाएगा? 9। तो जो ईपीएस अभी ₹5 है, अब वो ₹9 हो जाएगा। हम इस समय ए पॉइंट का आंसर दे रहे। अच्छा, ए पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट पर आइएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, पहले आपका ईपीएस था ₹5, अब वो हो जाएगा ₹9। ईपीएस कितना बढ़ जाएगा? ₹5 पर ₹4 बढ़ जाएगा। क्या आप ये बात परसेंटेज में कह सकते हैं? तो लिखेगा परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस 80%। यहां पर नहीं लिखना है, यहां पर नहीं लिखना, यहां थोड़ी इंक्रीज हुआ है। पहले था ₹5, अब हो गया ₹9, तो इसका मतलब पहले के मुकाबले ईपीएस 80% इंक्रीज हो गया। यह आंसर देने का यही तरीका, ठीक है? यह आपने फर्स्ट पॉइंट का आंसर दिया। अब आप लिखिएगा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपसे क्या पूछा गया है? डीएफएल। डीएफएल पूछा गया, डीएफएल का फॉर्मूला लिखेगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। टू लैख डिवाइडेड बाय 1 लैख, द आंसर इज
2,80,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 1.56 फाइनेंशियल लिवरेज 2 एंड 1.56। अच्छा लास्ट में क्या पूछा गया है, DOL फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। फोर लैख डिवाइडेड बाय 2 लैख द आंसर इज 2। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000 ओके 1.71 अप्रोक्सीमेटली 1.71 अप्रोक्सीमेटली। ए पॉइंट का आंसर हो गया। ए पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट एकदम प्रॉपर वे में हमने आंसर दिया है। बी पॉइंट पढ़ेंगे। बी पॉइंट कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज इन रिलेशन टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 1 लाख यूनिट्स टू 1,20,000 यूनिट्स। पहले है फाइनेंशियल लिवरेज 2 एंड 1.56, मतलब बहुत गहराई से समझिएगा। अगर हम इंटरेस्ट से पहले 2 लाख कमाते हैं तो इंटरेस्ट के बाद 1 लाख, 2 लाख में से 1 लाख रह जाता है, दूसरे शब्दों में 2 रुपए में से बस 1 रुपया रह जाता है। अगर हम 2 रुपए कमाते हैं इंटरेस्ट से पहले तो इंटरेस्ट के बाद 1 रुपया ही बचता है। अच्छा अब ये 1.56 क्या कह रहा है? हमने कहा देखो जी वो तो वो केस था ना, अब जरा ये केस डिस्कस करें। इंटरेस्ट से पहले 2,80,000, इंटरेस्ट के बाद 1,80,000, इसका मतलब अगर 1,80,000 1 रुपया है, अगर इंटरेस्ट के बाद वाली इनकम 1 रुपया है तो इंटरेस्ट से पहले वाली इनकम है 1.56, इंटरेस्ट है 0.56। पहले 2 रुपए में से 1 रुपया चला जाता था, अब क्या हालात है, 1 रुपए 56 पैसे में से 56 पैसे चले जाते हैं। अब हालात सुधर गए हैं, 2 रुपए में से 1 रुपए चले जाना और 1 रुपए 56 पैसे में से 56 पैसे चले जाना, हालात सुधरे हैं कि नहीं? आप कहोगे जी हालात सुधरे, इंटरेस्ट तो पहले भी 1 लाख था, इंटरेस्ट तो आज भी 1 लाख है, तो हालात कैसे सुधरे? हमने कहा देखो इंटरेस्ट भले ही लाख रुपए हो पर इंटरेस्ट को सहन करने की हमारी शक्ति बढ़ गई, पावर बढ़ गई। वो कैसे? पहले हम 2 लाख को कहते थे कि 1 लाख रुपए का खर्चा सहन करो, अब हम 2,80,000 को कहते हैं 1 लाख रुपए का खर्चा सहन करो। इसका मतलब 1 लाख रुपए तो वही का वही है पर 1 लाख रुपए के खर्चे को सहन करने की हमारी पावर नहीं बढ़ गई। अगर मेरे घर का किराया महीने का 10,000 रुपए है, वैसे मैं 50,000 रुपए कमाता हूं तो 50,000 में से 10,000 चला जाता। अच्छा अब क्या हुआ कि किराया तो 10,000 ही है पर अब मेरी इनकम हो गई 80,000, इनकम 80,000 हो गई, किराया वही का वही है। माना किराया वही का वही है पर आपको लगता नहीं कि अब मुझे किराया कम चुभेगा, सेम होने के बावजूद चुभन कम हो गई, सेम फिक्स कॉस्ट होने के बावजूद उसका बर्डन मुझे कम महसूस होगा। तो जैसे ही मैं यहां से यहां पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट तो सेम है पर मेरा इंटरेस्ट का बर्डन कम हो गया। सिमिलरली पहले मैं 4 लाख को कहता था कि 2 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट सहन करो,
अब मैं 4,80,000 को कहता हूं कि 2,00,000 के फिक्स कॉस्ट सहन करो। फिक्स कॉस्ट सेम का सेम है, इंटरेस्ट सेम का सेम है, लेकिन फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट के बर्डन में काफी कमी आ गई है। लिखेगा बी पॉइंट का आंसर। लिखेगा विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 1,00,000 यूनिट्स टू 1,20,000 यूनिट्स, विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 1,00,000 यूनिट्स टू 1,20,000 यूनिट्स, कॉमन, बोथ द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, बोथ द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज आर रिड्यूस्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट, रिड्यूस्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट विच इंप्लाइज दैट द बर्डन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट, द बर्डन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, द बर्डन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली। ये हमने बी पॉइंट का आंसर भी दे दी। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे सामने। अब अगले क्वेश्चन पर आने से पहले हमें कंसेप्ट समझना होगा, तो आपको उस कंसेप्ट की हेडिंग डालनी पड़ेगी। हेडिंग है 1-to-1 रिलेशनशिप। अगले क्वेश्चन पर आने से पहले हमें इस कंसेप्ट को समझना होगा। कंसेप्ट का नाम है 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 रिलेशनशिप। ओके, ये आपने हेडिंग डाल ली 1-to-1 रिलेशनशिप। पिछले क्वेश्चन में मैं क्या देखता हूं कि 10,00,000 से जब मैं 12,00,000 पर आया तो मेरी सेल 20% बढ़ गई। और मेरी सेल 20% क्या बढ़ी, वेरिएबल कॉस्ट भी मेरा 20% बढ़ गया, अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन भी मेरा 20% बढ़ गया। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तीनों में परसेंटेज की इंफॉर्मेशन इक्वल है, सेम है। कल को अगर सेल 1% बढ़ती तो वेरिएबल कॉस्ट भी 1% बढ़ता और कंट्रीब्यूशन भी 1% बढ़ता। चूंकि परसेंटेज चेन तीनों में सेम है तो इन तीनों में जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं, 1-to-1, इधर एक तो उधर भी एक, ठीक है ना। चलिए, आपने हेडिंग डाली, आप लिखेगा दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सेल्स कॉमा वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सेल्स वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, फुल स्टॉप। इट मीन्स दैट 1% चेंज इन सेल्स, 1% चेंज इन सेल्स विल प्रोड्यूस 1% चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, विल प्रोड्यूस 1% चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट
and also 1% change in contribution. अब बात को आगे बढ़ाएं, फिर से जाते हैं पीछे। हम क्या देखते हैं कि ईबीआईटी में 40% चेंज है, 2 लाख का 2,80,000 हो गया, 40% चेंज हो गया। हम क्या देखते हैं ईबीटी में 80% चेंज है, ईबीटी टैक्स से पहले की इनकम और टैक्स के बाद वाली इनकम जो है उससे उसमें भी 80% चेंज है और ईपीएस में भी 80% चेंज है। तो 80% का कॉमन जो फिगर है वो बिफोर टैक्स इनकम में भी है, वो आफ्टर टैक्स इनकम में भी है और ईपीएस में भी है, ठीक बात है ना? तो आप आगे लिखिएगा अगले पैराग्राफ में, सिमिलरली इसी तरीके से, सिमिलरली दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, सिमिलरली दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन ईबीटी कॉमा ईएटी एंड ईपीएस, फुल स्टॉप। इट मीन्स दैट 1% चेंज इन ईबीटी, 1% चेंज इन ईबीटी विल प्रोड्यूस 1% चेंज इन ईएटी एंड आल्सो 1% चेंज इन ईपीएस। ओके, मेरे ख्याल से 1-to-1 रिलेशनशिप कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट तो नहीं था ना? ठीक, आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 5%। ठीक बात, क्वेश्चन में आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको जरा एनालाइज कर लीजिएगा। जैसा मैंने लिखा आप भी लिखिएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करा जाए तो ईबीआईटी आता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करा जाए तो ईबीटी आता है। इसमें से क्वेश्चन आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन बताने को तैयार है, आपको ईबीआईटी कितना बताया गया है, 1200 लैक्स। अच्छा, ईबीटी कितना बताया गया है, 500 लैक्स। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितना बताया गया, 800 लैक्स। जो बताया गया वो आप लिख लीजिए, जो नहीं बताया गया वो आप पता कर लीजिए। जैसे आपको कंट्रीब्यूशन नहीं बताया गया, अब आप खुद ही सोचिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2000 होगा, क्योंकि 800 का फिक्स कॉस्ट माइनस करके अगर 1200 आता है तो कंट्रीब्यूशन तो 2000 ही होना चाहिए ना। अब ईबीटी अगर 500 है तो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए,
अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि हम कोई भी लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी बाय ईबीटी, कंबाइंड लीवरेज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। मेरे ख्याल से हम कोई भी लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हम कोई भी लीवरेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम कैलकुलेट करेंगे डीसीएल। आप इसका फॉर्मूला लिखिएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन है 2000 लैक्स, ईबीटी है 500 लैक्स और आंसर है फोर। तो आपने कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट किया 4। इसके नीचे आप लिखेगा आल्सो। आइए कंबाइंड लीवरेज का हम दूसरा फार्मूला लिखें जो इसका ओरिजिनल फार्मूला। कंबाइंड लीवरेज का ओरिजिनल फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा ना। अब आप इस फॉर्मूले को ना थोड़ा चेंज करिएगा। फॉर्मूला ठीक है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईएटी और ईपीएस, आपने अभी अभी तो पढ़ा कि ईबीटी ईएटी ईपीएस में 1:1 रिलेशनशिप होता है। तो जितने परसेंटेज चेंज ईबीटी में आएगा उतने ही ईएटी में आएगा, उतने ही ईपीएस में आएगा, एक ही बात हुई ना। तो मैं फॉर्मूले को थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं, कंसेप्ट तो वही का वही है ना, कंसेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड ही तो कर रहे हैं। हां जी, मैं ऑलरेडी डीसीएल कैलकुलेट कर चुका हूं 4। अब हम इसको कैसे लिखें, डीसीएल ऑफ 4 एज कंप्यूटेड अबव। DCL of 4 as computed above implies that, लिखिएगा, implies that 1% change in sales, 1% change in sales will produce 1% change in sales will produce 4% change in 4% change in EBT or EAT or EPS। सेल का चेंज अगर हो जाए 1% तो EBT, EAT, EPS हर एक में चेंज हो जाएगा 4%। वो कहते हैं नहीं भाई, हम तो सेल में इंक्रीज करवाना चाहते हैं 5%, तो ईपीएस में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 5 × 4 20%। तो लिखेगा हेंस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 5%, इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 5% कॉमा ईपीएस विल गेट इंक्रीज्ड बाय, ईपीएस विल गेट इंक्रीज्ड बाय 5 × 4 दैट इज 20%। होता ही है ये 1:1 रिलेशनशिप। अब आप कंफर्म मान लीजिए किस किस में 1:1 रिलेशनशिप होता है, एक सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में और दूसरा ईबीटी ईएटी ईपीएस। आप एक काम करेंगे, पेज नंबर 17 पर आइएगा।
पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 11, रिविजनरी. द एबीसी कंपनी हैज फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट. बैलेंस शीट के बाद इनकम स्टेटमेंट गिवन है. अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आएगा. डिटरमिन द ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज एट करंट सेल्स लेवल गिवन दैट ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 52,000 आर वेरिएबल. नंबर टू, इफ टोटल एसेट रिमेनिंग द सेम बट ए सेल्स इंक्रीजिंग बाय 20% एंड बी सेल्स डिक्रीजिंग बाय 10%, व्हाट विल बी द ईपीएस? आप लिखिएगा रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट. हालांकि क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट गिवन है, पर वो इनकम स्टेटमेंट हमें ठीक करनी पड़ेगी अगर हमें लीवरेजेस कैलकुलेट करने हैं तो. सेल्स 3,40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट. क्वेश्चन में लिखा है कि डेप्रिसिएशन जो है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आप समझिए वो वेरिएबल कॉस्ट है. डेप्रिसिएशन है 52,000, तो आप बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 68,000 डिफरेंस. चले, फिक्स कॉस्ट आपने माइनस करा 52,000, डिफरेंस आ गया 2,20,000. 2,20,000 के सामने क्या लिखा जाए? ईबीआईटी. इसमें से आप माइनस करिए इंटरेस्ट 60,000 इंटरेस्ट माइनस करते ही डिफरेंस कितना आ गया? 1,60,000. ये क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स. टैक्स का रेट कितना है? 50%. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी यही आ गया 80,000. अगर ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है फिर तो आप मुझे ईपीएस भी बता सकते हैं. पहले आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बताने पड़ेंगे. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने मुझे बताए 80,000, वो लायबिलिटी साइड देखकर आप बता रहे, तो फिर ईपीएस कितना हो गया? रुपी वन, एक रुपए. हाँ जी, चलिए आइए लेवरेजेस कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. कंट्रीब्यूशन इज 2,72,000, ईबीआईटी 2,20,000. आंसर आप बता दीजिए. 1.1, दोबारा से बताइए. 1.236. फाइनेंशियल लिवरेज इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. टू लैख 20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000. 1.375.
DCL is equal to contribution divided by EBT. 272,000 divided by 160,000. 1.7. अब आप सेकेंड पॉइंट पर आइए. सेकेंड पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि हमसे सेल्स और ईपीएस के बीच में कंपैरिजन पूछा जा रहा. तो मेरे ख्याल से हमें कंबाइंड लिवरेज के ओरिजिनल फार्मूले से मदद मांगनी चाहिए. देखो भी इसके डिनोमिनेटर में क्या आना है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स. न्यूमरेटर में क्या आ सकता, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईएटी और ईपीएस. पर इतना सब लिखने की क्या जरूरत है, जो सवाल पूछा जा रहा है उसी का जवाब दीजिए. परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, जो सवाल पूछा जा रहा है उसी का जवाब देते ना. कंबाइंड लीवरेज 1.7 है, इसका मतलब अगर सेल में बदलाव आ जाए 1% तो ईपीएस में बदलाव आ जाएगा 1.7%. ठीक है ना. तो आप लिखिएगा डीसीएल ऑफ 1.7 एज कंप्यूटेड अबव. Implies that 1% change in sales, 1% change in sales will produce 1.7% change in EPS. 1.7% चेंज इन ईपीएस. अब ए पॉइंट में कहा गया है, ए पॉइंट में, सेकंड के ए पॉइंट में हम सेल बढ़ाना चाहते हैं 20%. तो बताइए ईपीएस कितना बढ़ जाएगा अगर सेल में चेंज आ जाए 1%, तो ईपीएस में चेंज आता है 1.7%. अगर सेल बढ़ जाए 20% तो ईपीएस कितना बढ़ जाएगा. हां तो लिखिएगा ए पॉइंट का आंसर. इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 20%, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 20% कॉमा ईपीएस विल गेट इंक्रीज्ड बाय EPS will get increased by 20 multiplied with 1.7. That is 34%. ये A point का आंसर हो गया. अब आप आइएगा B point की तरफ. अब वो कहते जी हम सेल को 10% कम करना चाहते हैं, तो फिर ईपीएस भी कम हो जाएगा, है ना. तो लिखिएगा बी पॉइंट में, इफ सेल्स डिक्रीजेस बाय 10%, इफ सेल्स डिक्रीजेस बाय 10% कॉमा ईपीएस विल गेट डिक्रीज्ड बाय 10 मल्टीप्लाइड विद 1.7, दैट इज 17%. चलिए मेन क्वेश्चंस में लौट आइए. तो वो आप कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है, पुराने ईपीएस में एडजस्ट कर लीजिएगा. हाँ जी, मेन क्वेश्चंस में वापस आइए. अब हमारे जो क्वेश्चन बच गए, 4,
एक तो क्वेश्चन नंबर फोर है, 11, 12, 13, 16, 11 हो चुका है, सॉरी 11 हो चुका है, 12, 13, 16, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, हां जी, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए बी एंड सी। तो आपके सामने कंपनी ए बी सी के कंटेक्स्ट में कुछ डिटेल्स गिवन है, आप उन डिटेल्स को ऑब्जर्व करिए और आप इनकम स्टेटमेंट बनाइए तीनों कंपनियों के लिए। पर्टिकुलर्स कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी, और हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी। हां जी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईबीआईटी आएगा, इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे तो ईबीटी आएगा। टैक्स का रेट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 45%, 45% टैक्स माइनस कर देंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी आ जाएगा। बेसिकली सोचा जाए तो क्वेश्चन यही सब हमसे पूछ रहा है, हमें तीनों कंपनियों की इनकम स्टेटमेंट ही तो बनानी है। चलिए नोट नंबर वन कंपनी ए के लिए बनाया जाए, नोट नंबर टू हम कंपनी बी के लिए बना लेंगे और नोट नंबर थ्री हम कंपनी सी के लिए बना लेंगे, ठीक है ना। नोट नंबर वन कंपनी ए के लिए बनाया जाए। हां जी, क्वेश्चन में कोई क्ल्यू होना चाहिए आपको, जैसे फाइनेंशियल लिवरेज कितना गिवन है, 3:1। फाइनेंशियल लिवरेज कितना गिवन है, 3:1। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। क्या लिखा आपने, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। एक्चुअली ईबीआईटी तो ठीक है, पर जो ईबीटी है ना, मैं ईबीटी के बदले लिखना चाहता हूं, ईबीटी के बदले लिखना चाहता हूं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऊपर मैंने लिखा ईबीआईटी, नीचे मैंने लिखा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना। क्वेश्चन में क्या इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है, गिवन है तो कितना गिवन है, 200 रुपए। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आप मुझे ईबीआईटी बता सकते हैं, कितना ईबीआईटी आ गया, 300 रुपए। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और आपको पता चल गया कि ईबीआईटी है 300 रुपए। अगर ईबीआईटी 300 रुपए है तो आप आइए अपने आंसर की तरफ और कंपनी ए का ईबीआईटी लिखिए 300 रुपए।
इंटरेस्ट कितना है? 200 रुपए. 200 माइनस करिए, ईबीटी कितना आ गया? 100 रुपए. 45% टैक्स 45 रुपए. इनकम आफ्टर टैक्स 55 रुपए 55. लगभग आधी इनकम स्टेटमेंट तुमने बनाई थी. अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चन में गिवन होगा. कंपनी ए के लिए ऑपरेटिंग लीवरेज कितना गिवन है? 4:1. ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. सो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इज इक्वल टू 4. वी कैन से कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विद ईबीआईटी. ईबीआईटी है 300 रुपए, तो 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 1200 रुपए. 1200 आ गया ना. ये 1200 आप यहां पर लिख लीजिए. तो फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 900. ठीक है, अब बस एक सेल्स रह गया और एक वेरिएबल कॉस्ट रह गया. फिर से वापस चलते हैं. अब कोई और क्लू क्वेश्चन में से ढूंढ के लाइए. वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स 40%. अच्छा, एक काम करते, अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया जाए तो जो डिफरेंस आता है हम उस डिफरेंस को क्या कह सकते हैं? कंट्रीब्यूशन. ठीक है ना, क्या ये इक्वेशन वैलिड है? सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया जाए तो डिफरेंस है कंट्रीब्यूशन. ठीक है, सेल्स को तो सेल्स ही लिखा रहने दीजिए. वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 40% ऑफ सेल्स. सेल्स तो सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ सेल्स. दिस डिफरेंस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन आपने अभी अभी बताया 1200 रुपए. सेल्स में से उसी का 40% अगर माइनस करा जाए तो डिफरेंस आता है 1200 रुपए. तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि सेल्स कितना है? रुपए 2000 रुपए. तो आपने पता कर लिया सेल 2000 है, और अगर सेल 2000 है तो यह बात आप इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लीजिए. अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 800. चलो भाई, कंपनी ए की इनकम स्टेटमेंट हमने बना भी ली. अब ये बताइए, क्या आप इसी तरीके से कंपनी बी और सी की इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे? हमें तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका ही समझ में नहीं आया. आपने जो क्ल्यू कंपनी ए के लिए दिए हैं वही कंपनी बी के लिए हैं, वही कंपनी सी के लिए. ये तो एक ही क्वेश्चन को ऐसा लगता है आपने 3 बार पूछ लिया. या तो ऐसा होना कंपनी ए की इंफॉर्मेशन कुछ और डायरेक्शन में जाए, बी की कुछ और डायरेक्शन में जाए, तभी तो लगेगा कि सवाल सही है. तो मैं ये मानता हूं कि आप कंपनी बी और सी की कैलकुलेशन इन्हीं लाइंस पर खुद सॉल्व कर लेंगे. तो मैं छोड़ दूं कंपनी बी और कंपनी सी को आपके लिए. ठीक, अब आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 16.
हां जी, क्वेश्चन नंबर 16. फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट. ये तो फिर वही सवाल हुआ, पर फिर भी सवाल फिर भी ढंग से पूछा गया. कंपनी ए की डिटेल्स अलग डायरेक्शन में है और कंपनी बी की डिटेल्स अलग डायरेक्शन में. ठीक है, हालांकि आइडिया तो वही है. चलिए आइए फिर इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं. इसमें टैक्स का रेट कितना है? 30%. बाकी सब कुछ वही. टैक्स का रेट है 30%, बाकी सब कुछ वही. हाँ जी, शुरू किया जाए. तो चलो, जो डिटेल्स क्वेश्चन में दे रखी है उसी से शुरुआत करते हैं. देखो, पहली रिक्वायरमेंट है सेल्स. सेल्स क्वेश्चन में कंपनी ए का गिवन नहीं है, पर कंपनी बी का गिवन है. और वो कितना गिवन है? 1,05,000. तो आपने सेल्स लिख लिया कंपनी बी का. कंपनी का तो गिवन है नहीं. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कंपनी ए का गिवन है. वेरिएबल कॉस्ट कंपनी का कितना गिवन है? 56,000. कंपनी बी का कितना गिवन है? 60% ऑफ सेल्स. तो सेल्स तो 1,05,000 है, उसका 60% कितना हो गया? 63,000. ओके, नाउ कंट्रीब्यूशन. कंपनी ए का तो बता नहीं सकते, बी का बता सकते हैं. 42,000. ठीक है ना. इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है. ए की फिक्स कॉस्ट मालूम है 20,000, बी की फिक्स कॉस्ट मालूम नहीं. ईबीआईटी तो हम किसी का नहीं बता सकते. अच्छा, इंटरेस्ट कितना है? 12,000 और 9,000. टैक्स माइनस करेंगे तो ईएटी भी पता चलेगा. भाई, जितने डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन थी वो तो सारी हमने लिख ली. नोट नंबर 1, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कंपनी ए. हाँ, तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? कंपनी ए के कंटेक्स्ट में फाइनेंशियल लिवरेज 5. फाइनेंशियल लिवरेज यानी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. ऊपर तो ईबीआईटी ठीक है, नीचे हम ईबीटी नहीं लिखते. नीचे हम लिखते हैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. दिस इज इक्वल टू 5.
इंटरेस्ट है कंपनी ए का 12,000 रुपए, दिस इज इक्वल टू 5, क्या कहते हैं ईबीआईटी कितना आ जाएगा 15,000 रुपए। आपने बताया ईबीआईटी कंपनी ए का 15,000, तो लिखेगा ईबीआईटी 15,000 रुपए, 15,000 रुपए ईबीआईटी आपने लिखा 15,000 रुपए। फिर तो आप इंटरेस्ट माइनस करके मुझे ईबीटी बता सकते हैं 3,000 रुपए। 30% टैक्स कितना हुआ 900, आफ्टर टैक्स 2100। अच्छा ईबीआईटी आप कह रहे थे 15,000, फिक्स कॉस्ट 20,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 35,000, वेरिएबल कॉस्ट 56,000, तो सेल्स कितना हुआ 91,000। कंपनी की पूरी इनकम स्टेटमेंट बना दी हमने। नोट नंबर 2 बनाया जाए कंपनी बी के लिए, ऑपरेटिंग लीवरेज आपको गिवन है 4, ऑपरेटिंग लीवरेज 4 है ना, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला ओके, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इज इक्वल टू 4, सो ईबीआईटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 4, कंट्रीब्यूशन है 42,000, इसे आप 4 से डिवाइड करिए 10,500, ये आपने मुझे बता दिया ईबीआईटी। अगर ईबीआईटी 10,500 है तो फिक्स कॉस्ट कितना हुआ वैसे 31,500, इंटरेस्ट माइनस अगर आप करें तो ईबीटी कितना आएगा 1500, 30% टैक्स 450, ये भी काफी आसान क्वेश्चन। अब हमारे पास रह गए 2 क्वेश्चन, हालांकि 2 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन अभी भी इसमें टाइम बहुत लगेगा क्योंकि हमने अभी तक वो सिचुएशन डिस्कस नहीं करी है जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड आता, और वो प्रेफरेंस डिविडेंड वाला केस क्वेश्चन नंबर 12 में है, पर क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ है। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन है 12 और 13, 2 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट किया जाए, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड की सिचुएशन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13, हां जी, क्वेश्चन नंबर 13, ए कंपनी हैज ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ 1.2 एज अगेंस्ट 1.25 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल आपका ऑपरेटिंग लीवरेज 1.25 था तो इस साल आपका ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.2। इफ द करंट फिक्स्ड कॉस्ट इज 25% मोर देन दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, to what extent has the contribution earned by the firm changed over the previous year? तो आप एक काम करेगा, आप हेडिंग डालेगा प्रीवियस ईयर, हेडिंग डालेगा प्रीवियस ईयर,
ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था वैसे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। मैं इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिखना चाहूंगा, कंट्रीब्यूशन तो ठीक है पर जो नीचे ईबीआईटी है उसके बदले मैं लिखना चाहूंगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ऑब्वियसली मैं ऐसे लिख सकता हूं, न्यूमरेटर में मैंने लिखा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन जाने फिक्स कॉस्ट से पहले, और डिनोमिनेटर में फिक्स कॉस्ट के बाद, यानी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। आप कहते हैं कि अगर इस साल ऑपरेटिंग लीवरेज 1.2 है तो पिछले साल वो 1.25 था। हम पिछले साल की ही बात कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग लीवरेज लिखिए 1.25। अब हमें पिछले साल का ना तो कंट्रीब्यूशन मालूम है और ना फिक्स कॉस्ट मालूम, और क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है भी नहीं कि हम पिछले साल का कंट्रीब्यूशन या फिक्स कॉस्ट पता भी कर पाए। अब यहां से आंसर हमारे एजम्पशन पर आगे बढ़े, इसमें से कोई एक तो मुझे एज्यूम करना चाहिए। एक काम करता हूं, मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि पिछले साल मेरा कंट्रीब्यूशन 1000 पे था। आप 1000 के ब्रैकेट में लिख सकते हैं एजम्पशन। अभी आप थोड़ी देर के लिए मानिए, कहा है कि एजम्पशन ही तो है, अरे हजार नहीं मानते, 100 रुपए मानते, 10,000 मानते, 1,00,000 मानते, कुछ ना कुछ तो मानते ही। तो आप मानिए कि पिछले साल कंट्रीब्यूशन था 1000 रुपए, तो आप मुझे बताएंगे अगर पिछले साल कंट्रीब्यूशन 1000 था अगर, तो पिछले साल फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? आप कहना चाहते हो ₹200। बड़ी सीधी सी बात है, अगर पिछले साल कंट्रीब्यूशन 1000 था तो पिछले साल फिक्स कॉस्ट था ₹200। हो सकता है कि आप पिछले साल का कंट्रीब्यूशन कुछ और मान लेते तो फिक्स कॉस्ट भी कुछ और ही आ जाता, पर अभी हम इस चक्कर में अपने आप को फंसाना नहीं चाहते। अब आप आइएगा करंट ईयर की तरफ। क्वेश्चन कहता है पिछले साल के मुकाबले इस साल फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है? 25%। अगर पिछले साल फिक्स कॉस्ट ₹200 था, जो कि आपने अभी अभी कहा है, वो कहते हैं जी आप इसमें 25% इंक्रीज करिए, 250, 250 रुपए। क्या ये बात सही? अच्छा एक बार फिर से ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लिखा जाए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। एक बार फिर से लिखिएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि इस साल आपका ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.2, तो ऑपरेटिंग लीवरेज लिखिए 1.2। कंट्रीब्यूशन आप पता करना चाहते, और इस साल का फिक्स्ड कॉस्ट आपने क्या लिखा है अभी अभी? 250 रुपए। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस साल का कंट्रीब्यूशन मुझे बता सकते? 1500। आप लिखेगा कंट्रीब्यूशन
1500 रुपए। आपने लिखा कंट्रीब्यूशन 1500 रुपए, पिछले साल कंट्रीब्यूशन कितना था? 1000 रुपए, इस साल 1500 रुपए। बताओ कंट्रीब्यूशन कितने परसेंटेज बढ़ रहा है? 50%। अगर आपने पिछले साल के कंट्रीब्यूशन को 1000 नहीं 1 लाख माना होता तो इस साल का कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख आता। आप तब भी यही कह रहे होते कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का कंट्रीब्यूशन 50% बढ़ गया। आपने 1000 नहीं कुछ और माना होता तब भी फाइनल कंक्लूजन यही होता। क्या फर्क पड़ा अगर मैंने कंट्रीब्यूशन 1000 रुपए मान लिया, कुछ और भी मानता तब भी फाइनल आंसर तो मेरा यही होना था। तो आप नीचे लिखिएगा, एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर, एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर कॉमा इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द करंट ईयर्स कंट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज्ड बाय 50%। करंट ईयर्स कंट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज्ड बाय 50%। मेरे ख्याल से हमने इस सवाल का जवाब दे दिया। यही हमसे पूछा गया था ना कि बताइए पिछले साल के मुकाबले इस साल कंट्रीब्यूशन में कितना इंक्रीज हो गया है। हमारे हिसाब से लीवरेज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़कर, और क्वेश्चन नंबर 12 अपने आप में एक अलग स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी उन क्वेश्चंस को, वो सिचुएशन को डील करना जिसमें क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड भी गिवन होता है। उसके लिए आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। हेडिंग है हाउ टू कंप्यूट द लेवरेजेस, हाउ टू कंप्यूट द लेवरेजेस व्हेन द प्रेफरेंस डिविडेंड, हाउ टू कंप्यूट द लिवरेजेस व्हेन द प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन हो तो हम लिवरेजेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हेडिंग है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा भी था कि सारे रिविजन ही क्वेश्चन कर लेना, बस वो प्रेफरेंस डिविडेंड वाले क्वेश्चन मत करना। बस समझ लीजिए हम इस चैप्टर के लास्ट स्टेज पर आ गए हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर गिवन हो तो लिवरेजेस कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ये आइडिया हमारे पास है। तो लिखिएगा नंबर 1, DOL इज इक्वल टू, DOL इज इक्वल टू फार्मूला लिखिएगा, कंट्रीब्यूशन divided by contribution minus fixed cost, क्या ये वही फॉर्मूला है जो आप पहले से जानते हैं? आप पहले से क्या जानते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये वही तो फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सवाल ये उठता है कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में है तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला बदल क्यों नहीं रहा? ऑपरेटिंग लीवरेज कहता जी मैं क्यों बदलूं अपने आप को, पहले तो आप ये बताइए। अरे प्रेफरेंस डिविडेंड का बिजनेस से क्या लेना देना है ये तो बताइए। प्रेफरेंस डिविडेंड आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पास खुद के पैसे नहीं है, कभी डिवेंचर होल्डर से मांगते फिरते हो, कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तो जहां तक बिजनेस कैलकुलेशंस का सवाल है, जहां तक ऑपरेटिंग लीवरेज का सवाल है,
प्रेफरेंस डिविडेंड है या नहीं है कुछ लेना देना नहीं, हम फार्मूले में असर नहीं डालेंगे। आइए फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ लेते हैं हम लोग। फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, जो हमने अब तक पढ़ रखा है। हमने अब तक तो ये पढ़ रखा ना। तो मैं ये कह रहा था, जैसे इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता है, वैसे प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो एक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता ना। आपके पास खुद के पैसे नहीं है, डिवेंचर होल्डर से पैसे मांगे, इंटरेस्ट देना पड़ा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसे मांगे, प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ा। तो जैसे आप इंटरेस्ट को पढ़ रहे थे, अकॉर्डिंगली आप प्रेफरेंस डिविडेंड को भी पढ़िए। इसके डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। वेल, यहां तक अगर सोचा जाए तो फार्मूले में कहीं कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ऊपर आपने लिखा है इंटरेस्ट से पहले की इनकम और नीचे आपने लिखा है इंटरेस्ट के बाद की इनकम। यहां तक फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, एक तरीके से डिनोमिनेटर में मैं क्या कहना चाहता हूं, इंटरेस्ट के भी बाद और प्रेफरेंस डिविडेंड के भी बाद। तो आप कंसेप्चुअली प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के अगेंस्ट नहीं है, आप समझ रहे हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना चाहिए। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड अकेले माइनस नहीं होगा, माइनस होने से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड अपने आप को डिवाइड करेगा 1 माइनस टैक्स रेट से। यहां आके मुसीबत आ गई। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना चाहिए, ये बात तो हम मानने को तैयार बैठे, पर वो चुपचाप शरीफों की तरह माइनस क्यों नहीं हो जाता है? वो कहता जी नहीं, पहले आप मुझे डिवाइड करो 1 माइनस टैक्स रेट से, उसके बाद मैं माइनस हूं। तो सारा झंझट यही है ना कि जी आखिरकार वो अपने आप को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करने की जिद क्यों कर रहा है। खैर, तीसरा फार्मूला कौन सा है? डीसीएल। इसके न्यूमरेटर में क्या लिखा जाए? कंट्रीब्यूशन। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाए? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट। यहां तक तो फार्मूले में कोई चेंज है नहीं, पर अब आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी डील करना पड़ेगा। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब आपको देना है कि 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड आखिरकार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, माइनस हो रहा है, इसका जवाब मुझे नहीं देना। 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड क्यों हो रहा है, मुझे इसका जवाब। देखो जी, सवाल समझ में आ जाए ना तो उसका सही जवाब भी निकल आता। सवाल यह है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपने आप को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड क्यों करता। ठीक है, लिखिएगा एग्जाम्पल 1। आइए कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते। ऑफकोर्स वो एग्जाम्पल बिना मतलब कि तो मैं डिस्कस कर नहीं रहा, जो कंसेप्ट हमने समझना है उसी कंटेक्स्ट में तो हम ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हां, तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप एक काम करिएगा, आप लिखेगा ईबीटी इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख। क्या लिखा आपने? ईबीटी इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख।
फिर लिखेगा टैक्स रेट 40%, ईएटी आप पता करिए भाई, टैक्स से पहले 2 लाख 40% टैक्स, बताओ टैक्स के बाद कितना होगा, 1,20,000। कैसे कैलकुलेट करा आपने? अच्छा आपने क्या करा, 2 लाख का 40% निकाल दिया, वो आ गया 80,000 रुपए, वो आपने 2 लाख में से माइनस कर दिया, आ गया 1,20,000 रुपए। आप इतनी आसानी से कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं एक्चुअली इसको थोड़े मुश्किल तरीके से कैलकुलेट करना चाहता हूं, और वो मुश्किल तरीका क्या है, ई ए टी इज इक्वल टू ई बी टी मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस टैक्स रेट। आप कह सकते हो जी सीधा साधा कंसेप्ट आता है, आप क्यों हमारे कंसेप्ट को क्यों खराब करना चाहते हैं, हम समझ गए ना कि जी 2 लाख की इनकम है, 40% टैक्स दे दिया, बाकी रह गया 1,20,000 रुपए, तो जबरदस्ती का कंसेप्ट पढ़ाने वाली बात होगी। खैर ईबीटी कितना है, 2 लाख रुपए, टैक्स का रेट है 40%, 40% को मैं लिख सकता हूं 0.40, 40% को मैं लिख सकता हूं 0.40, ओके 2 लाख मल्टीप्लाइड विद 0.60, सो वी गेट रुपीज 1,20,000। देखो जी अगर आप कमाते 1 रुपया हो तो आपको 40 पैसे का टैक्स तो देना पड़ेगा, तो क्या बच जाएगा 60 पैसे, मतलब एक आदमी 1 रुपया कमाए तो सिर्फ 60 पैसे बचते हैं उसकी जेब में। कहता अच्छा बताओ अगर मैं 2 लाख कमाऊं तो मेरी जेब में कितने रुपए बचेंगे, 1,20,000 रुपए। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अच्छा ये आपने एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लिया ना, अब आप लिखेगा एग्जाम्पल नंबर 2। अब आप लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लिखेगा ईएटी इज इक्वल टू, ईएटी इज इक्वल टू 1,80,000, 1,80,000, ईएटी इज इक्वल टू 1,80,000, टैक्स का रेट 40%, बताओ ईबीटी कितना हो। एक आदमी कहता है मैंने 40% टैक्स देने के बाद 1,80,000 रुपए कमाए, बताओ मैंने टैक्स से पहले कितने रुपए कमाए थे, कितने, 3 लाख रुपए। कितना आसान है, लेकिन हम बातों को आसान तरीके से पढ़ना नहीं चाहते, हम बीच में जबरदस्ती फार्मूला डाल रहे। हमने पिछले एग्जाम्पल में भले ही जबरदस्ती सही आपको एक फार्मूला पढ़ा दिया, क्या फार्मूला पढ़ा दिया, ई ए टी इज इक्वल टू ई बी टी मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस टैक्स रेट, और आपने इसे मान लिया, क्या जी ठीक तो है फार्मूला। अगर ये फार्मूला सही है तो मैं इस फार्मूले को क्या ऐसे लिख सकता हूं, ई बी टी इज इक्वल टू ई ए टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, भले ही जबरदस्ती सही मैं लिख तो सकता ही हूं ना भाई। आफ्टर टैक्स इनकम है 1,80,000 रुपए, आफ्टर टैक्स इनकम 1,80,000 है और टैक्स का रेट है 40%, आंसर वही आ गया जो आप मुझे बता रहे थे, क्या आंसर आ गया, 3 लाख रुपए। और आपने कहा जी जबरदस्ती की मेहनत आप भी कर रहे हैं, अननेसेसरी बेकार की बातें पढ़ा रहे हैं। हम अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भी आंसर निकाल सकते हैं, है कि नहीं। बिना मतलब के तो कोई बात कही नहीं जाती, ये तो बात आप मानते। चलो जी एक बात तय हुई, अगर कोई मुझे बिफोर टैक्स इनकम बता दे और मुझसे पूछे जी आफ्टर टैक्स इनकम बताओ तो मुझे क्या करना चाहिए,
वन माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, है ना। अगर बिफोर टैक्स इनकम को वन माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आफ्टर टैक्स इनकम बताई जा सकती है? चलो तय हो गया, अगर आप बिफोर टैक्स बताओगे आफ्टर टैक्स पूछोगे तो हम वन माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा दूसरी बात, अगर कोई आपको आफ्टर टैक्स इनकम बता दे और बिफोर टैक्स पूछे तो क्या करना चाहिए? ओके चलो भाई तय हो गया, तय हो गया। अगर आप हमें आफ्टर टैक्स इनकम बताओगे और हमसे बिफोर टैक्स इनकम पूछोगे तो हम वन माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देंगे, क्या ये बात सही? इस पर हम सब लोग राजी हो रहे कि अगर आप अगर कोई हमें आफ्टर टैक्स अमाउंट बता दे और हमसे बिफोर टैक्स अमाउंट पूछे तो हमें वन माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद एक्सप्लेनेशन उस डायरेक्शन में जा सकता, क्योंकि वन माइनस टैक्स रेट से डिवाइड होने का मकसद तो यही है, मतलब यह समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पर अब मुझे यह पता चल गया कि वन माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके होता क्या है ना, एक बात पता चली। ऑफकोर्स वो बात मैं यहां इस्तेमाल करूंगा, ये दो एग्जाम्पल्स बिना मतलब के तो मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी कि वन माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके क्या होता है और मल्टीप्लाई करके क्या होता है। यहां हमें पता चल गया कि डिवाइड करके क्या होता है, कि जो आफ्टर टैक्स वाला आंसर होता है ना वो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर आफ्टर टैक्स आंसर को बिफोर टैक्स बनाना हो तो वन माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करना चाहिए। चलो भाई इतनी बात पता चल, बस इतनी बात पता करनी थी और क्या करना था। अब वो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर शुरू करें, ठीक है ना। अब बाकी टाइम क्वेश्चन नंबर 12 में लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देते फिर देखते हैं कि आखिरकार प्रेफरेंस डिविडेंड अपने आप को वन माइनस टैक्स रेट से क्यों डिवाइड करता है कि नहीं। जवाब तो होते नहीं है, जवाब तो ढूंढ के लाने पड़ते हैं। यस क्लास में बातचीत मत किया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी ऑफ ए फर्म अमाउंट टू रुपीज 1,86,000, इट पेज 50% टैक्स ऑन इट्स इनकम। कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 14% डिवेंचर, 15% प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिक्वायर्ड नंबर 1 ईपीएस एंड नंबर 2 डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो चलो भी ईपीएस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर ईपीएस कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन में ईबीआईटी गिवन है ना, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। डिबेंचर्स हैं 5,00,000 रुपए के, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। 5,00,000 के डिबेंचर्स पर अगर 14% इंटरेस्ट दिया जाए तो कितना इंटरेस्ट हो गया? 70,000। अच्छा डिफरेंस 1,16,000, इसको क्या कहा जाए? ईबीटी, टैक्स का रेट 50%। 50% कितना हो गया? 58,000 माइनस करके डिफरेंस भी 58,000 ही आ गए। ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से आप माइनस करिएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस कैपिटल है 1,00,000 रुपए और रेट ऑफ डिविडेंड है 15%। 15% ऑफ 1,00,000 कितना आ गया? 15,000। डिफरेंस 43,000 आया ना, इसके सामने लिखेगा
अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये है अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि इक्विटी कैपिटल 4 लाख रुपए का, एक शेयर 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हुए? 4000। अब लास्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? ईपीएस। तो अब 43,000 को 4000 से डिवाइड कर दो, 10.75। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट करें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, DFL। और चूंकि क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है, तो फार्मूला आपको प्रेफरेंस डिविडेंड के केस वाला ही लगाना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट एंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज टू बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ईबीआईटी ये रहा 1,86,000, इंटरेस्ट ये रहा 70,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 15,000, टैक्स रेट 50%। वन लैख 86,000 डिवाइडेड बाय 1,86,000 माइनस 70,000 माइनस 30,000 अप्रोक्सीमेटली 2.16। देखिए एक्सप्लेनेशन अब अगर दिया जाए तो मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत ध्यान से सुने भी और समझें, वरना अल्टीमेटली तो वो स्टूडेंट्स की कमी नहीं है जो फार्मूला रट्टा लगा लेते हैं। वो कहते जी क्या करना क्या है समझ के, बस इसको इससे डिवाइड करो बात खत्म करो, है ना। जो स्टूडेंट ने समझ के आंसर लिखा उसको भी उतने नंबर मिले, हमने रट्टा लगा के आंसर लिखा हमको भी उतने नंबर मिले। या तो दोनों के नंबरों में फर्क करो, है कि नहीं, दोनों को ही बराबर नंबर देने हैं, तो जो स्टूडेंट कंसेप्ट क्लियर करता है उसको एडेड एडवांटेज कहां है फिर। खैर छोड़ी, इस मुद्दे पर हम बात नहीं करते। कंसेप्ट अगर समझना चाहते हो तो उसको गहराई से जाके समझना पड़ता है। बर्डन यानी बोझ, अगर आप कहते हो कि मेरे सर पे 15,000 का बोझ है तो उसे 30,000 क्यों कहा जा रहा है? जब आप कहते हैं कि आपके सर पे 70,000 का बोझ है तो आप 70,000 कहते हैं, लेकिन जब कहते हो 15,000 का बोझ है तो 15,000 के बोझ को आखिरकार 30,000 क्यों रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, है ना। सवाल यह बनता ही है। देखिए मान लीजिए कोई आदमी कहता है जी मेरे ना घर का खर्चा 25,000 रुपए, तो मुझे 25,000 तो कमाने पड़ेंगे ना, अगर घर का खर्चा चलाना है तो जितना घर का खर्चा चलाना है वो मुझे कमाना पड़ेगा ना। समस्या ये है कि कमाई पर ना टैक्स देना पड़ता है 50%।
तो आप बताओ, मैं घर का खर्चा 25,000 सहन कर सकूं, इसके लिए मैं कमाऊं कितना? अच्छा, यानी आप कहना चाहते हैं कि अगर मैं अपने बिजनेस से 50,000 कमाता हूं, उस पर भले ही मैं 25,000 का टैक्स दे दूं, तो 25,000 का टैक्स देने के बाद मेरे पास 25,000 रहेंगे ना, और मैं उस 25,000 से अपने घर का खर्चा निकाल लूंगा। तो आप ये कहना बंद करिए कि मेरे ऊपर 25,000 का बोझ है। 25,000 थोड़ी मुझे कमाने हैं भाई साहब, मुझे 50,000 कमाने हैं। 50,000 कमाऊंगा तो उसमें से 25,000 गवर्नमेंट हथिया लेगी, मेरी जेब में बाकी 25,000 रह जाएंगे। उन 25,000 रुपए से मैं अपना खर्चा निपटा लूंगा, है कि नहीं? मान लीजिए मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 15,000 डिविडेंड देने जा रहा था, तो जब मैं जा रहा था ना, तो रास्ते में एक बदमाश मिल गया, बदमाश यानी गवर्नमेंट। उसने हमें कहा कि जी आप उसके पास जाके दिखाओ, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। मैंने कहा लेकिन भाई साहब मैं अपने वादे का पक्का हूं, मैंने उसको 15,000 देने हैं, मैंने उसे प्रॉमिस किया था और मैं दे के रहूंगा। गवर्नमेंट कहती है तो हम वही तो कह रहे हैं, देखे दिखाओ जरा, हम भी देखते हैं कि आप कैसे देते हो, देखे दिखाओ जरा, हम भी देखते हैं कि आप ये लाइन क्रॉस कैसे करते हो। तो हमने फिर गवर्नमेंट से पूछ लिया, तो आप क्या चाहते हो? उसने कहा जी आप हमारी हथेली गर्म कर दो, आप हमें पैसे दे दो। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? उसने कहा अगर आपने हमें पैसे दिए तो हम आपको परमिशन दे देंगे। किस बात की परमिशन? जाओ उसके पैसे दे दो, मतलब हम आपको परमिशन देंगे, जाओ 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 दियो पैसे दे, हमें हमारे पैसे दे दो तो हम तुम्हें उससे मिलने की परमिशन दे देंगे। हमने पूछा भाई तुम्हें कितने रुपए चाहिए? कहता जी आप हमें 15,000 दे दो ताकि हम आपको उसे 15,000 देने की परमिशन दे दें। तो बताओ घर से कितने रुपए लेके निकले? 30,000 लेके निकलना होगा भाई, 15 गवर्नमेंट को देंगे, बाकी बचा हुआ 15,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, है ना? इंटरेस्ट नाम का बोझ आपके सर टैक्स से पहले आता है, और प्रेफरेंस डिविडेंड नाम का बोझ आपके सर टैक्स के बाद आता है। दोनों में बुनियादी फर्क है। अगर आपको ये बोझ अपने सर से हटाना है तो 70,000 तो कमाने होंगे ना, 70,000 का इंटरेस्ट देना है तो 70,000 तो कमाना ही होगा ना, है कि नहीं? लेकिन अगर 15,000 का डिविडेंड देना है तो 30,000 कमाना होगा, बस फर्क बस इतना सा है। एक आदमी कहता है जी मैं 70,000 का इंटरेस्ट देना चाहता हूं, बताओ मैं कितने रुपए कमाऊं? हमने कहा जब 70,000 का इंटरेस्ट देना है तो 70,000 कमाओ ताकि 70,000 का इंटरेस्ट दे सको। कहते नहीं नहीं मेरे 15,000 का डिविडेंड देना है। हमने कहा फिर तो 30,000 कमाने होंगे, क्योंकि अगर 30,000 कमाओगे तो उसमें 15,000 तो गवर्नमेंट छीन लेगी आपसे, बाकी 15,000 बच जाएंगे, दे देना 15,000 का डिविडेंड। क्या ये बात सही? चूंकि प्रेफरेंस डिविडेंड मेरे सर टैक्स के बाद आता है तो मैं उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और मैंने एक बात सीखी कि अगर आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन को बिफोर टैक्स करना हो, नहीं आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन को बिफोर टैक्स करना हो तो कैसे होता है ये काम? 1- टैक्स रेट से डिवाइड कर दो तो आफ्टर टैक्स आंसर बिफोर टैक्स बन जाता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड नाम का बर्डन मेरे सर टैक्स के बाद आता है। मैं जानना चाहता हूं उस बर्डन को पूरा करने के लिए मैं टैक्स से पहले कितना कमाऊं, तो मुझे उसे 1- टैक्स रेट से डिवाइड करना ही चाहिए। क्या ये बात सही? तो आप समझे या नहीं समझे ये अब आपकी समस्या। आपको बस मैं इतनी बात बता दूं, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और नहीं है
तो वो फॉर्मूला जिससे आप चिर परिचित है, है ना? बात समझ में आ रही है ना? मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका, पर समस्या ये है कि अभी आधे घंटे का टाइम पड़ा हुआ है और आधे घंटे में मैं दूसरा चैप्टर का एक क्वेश्चन तो करवा ही सकता हूं, और मुझे लग रहा है आप सब लोग कह रहे हैं हां, क्योंकि नहीं का मतलब हां होता है ना, हां का मतलब तो हां होता ही है ऑब्वियसली, हां का मतलब तो हां ही होता है। चलो ठीक है, एक्सेप्शन के तौर पे, हालांकि ये मेरी आदत नहीं है, मैं आज की क्लास यहां छोड़ देता हूं और ये एक्सेप्शनल केस है, वरना मैं ऐसा करता नहीं।